गुंडे ने गन रख दिया मतलब लड़की पे। अब वहां पर लड़के ने मतलब हीरो बन के लड़की को बचा लिया। अब लड़की पूछती क्यों कर रहे हो ऐसा। फाइनली मैंने अभी एक एनाकोंडा की मूवी देखी है जिसका नाम है एनाकोंडा पकड़ लो। भाई साहब उसकी एक्टिंग तुम देखोगे ना भाई तो मेरे को अब डर लग रहा है भाई साहब हॉल में जाने के लिए। भाई साहब वो बंदा जिस तरीका का आंख मुंह टेढ़ा कर रहा है ना भाई साहब लग रहा है कि जितनी भी ऑडियंस तो ऐसे थी नहीं भाई साहब लेकिन चेयर टेबल सब निकल जाता भाई। अब देखो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि भाई साहब एक्चुअली पेन मूवीज ने इस एनाकोंडा को लेकर एक्चुअल में मतलब छत्रपति मूवी बनाई क्यों। तो भाई मेरे को पता चला कि इनका जो यूट्यूब चैनल है ना भाई वहां पर एक नायक बोल के मूवी है उसके बाद एक महाबली बोल के कोई मूवी है जो एक भाई साहब मूवी 7.5 मिलियन और एक 250 मिलियन व्यूज हुए। तो अब पेन मूवीज ने डिसाइड किया कि भाई साहब अगर यूट्यूब पे इतना व्यू मिल रहा है तो उन्होंने काउंट किया कि सोचो कि अगर 500 मिलियन भी लोग देखने जाएंगे अगर हमारी मूवी को तो भाई साहब कितना ज्यादा पैसा होगा भाई साहब। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई हर कोई रील जो बनाता है ना भाई साहब उसकी मूवी अगर आ जाए ना भाई तो लोग नहीं देखने जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको पता है कि भाई जो जिस प्लेटफॉर्म के लिए बना है लोग उसी प्लेटफॉर्म में उसको देखते हैं भाई साहब। अब तुम बताओ एक बात सलमान खान अगर रील में आ जाएंगे तो भाई साहब उतना कोई देखेगा भाई साहब उनको देखने का एक्शन मतलब जो पब्लिक है वो देखते एक्शन देखते बड़े पर्दे में भाई। तो मेरे हिसाब से और एक और मैंने रिसर्च किया कि भाई साहब इस एनाकोंडा की टोटल 10 मूवी आई है भाई साहब 10 में से 10 मूवी भाई साहब फ्लॉप रही। तो भाई मतलब क्यों रिक्स लिया भाई साहब पेन मूवी के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया। और एक चीज़ बताओ भाई ये मूवी मतलब लीगली तरीके से तो 2 घंटे की लेकिन भाई एक्चुअली में अगर इस मूवी को जेन्युइन तरीके से चलाओगे तो भाई ये मूवी सिर्फ 1 घंटा क्योंकि आप कैसे बोलोगे तुम बोलोगे ये क्या बता रहा है भाई। इस मूवी में मतलब हर 2 मिनट के बाद से भाई साहब 5 मिनट का स्लोमो है जो स्लोमो ऐसा दिखाता है ना कि भाई साहब आप करोगे क्या मतलब बाथरूम से घूम के आ जाओगे पॉपकॉर्न खा लोगे लेकिन भाई साहब वो स्लोमो चलता ही रहेगा। क्योंकि भाई साहब इस फिल्म से तो राजा मौली का नाम जुड़ा हुआ कि 18 साल पहले जो उन्होंने बनाया था चलो उसी का रीमेक बना देते। तो एक चीज तुमको बता रहा हूँ भाई कि भाई उससे अच्छा भाई साहब अमिताभ बच्चन की सूर्या बंसम का रीमेक बना देते। भाई साहब अमिताभ बच्चन की क्या एक्टिंग थी सूर्या बंसम में तुमको याद था कि भाई साहब खीर खा के किस तरीके से वो मतलब पान फूंकते थे भाई। तो उसका रीमेक अगर बनता तो भाई लोग जाते देखने के। लेकिन भाई साहब किस तरीका से मतलब जो भी 200 300 करोड़ सोचा होगा कमाने के लिए भाई साहब यहाँ तो मेरे को लग रहा है 2-3 करोड़ भी मुश्किल हो जाएगा शायद मेरे। अब देखो ये मूवी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं देखने के लिए जिनको इस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है और जो साल में एक बार मूवी एंजॉय करने के लिए चाहते हैं और फैमिली जो ओल्ड है जो हमारे माता पिताजी वो लोग जाएंगे देखने के लिए कि भाई एक ऐसी स्टोरी जिसमें हीरो हीरोइन को बचाने के बाद से हीरोइन पड़ जाती है उसके बाद से हीरो अपनी माँ को तलाश करता है माँ को तलाश करने में बहुत भयानक भयानक किस्म का मुंह बनाता है। और भाई सिर्फ एक सीन देखा ना भाई गाड़ी को सिर्फ ऐसे हल्का सा टच के भाई साहब गाड़ी कहाँ समुंदर में फेंका गई। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो भाई मतलब इतना ज़्यादा फेक आज के टाइम पे 20 साल की मूवी का रीमेक बनाना ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है ये मतलब खुद मतलब क्या बोलूँ शेर के मुंह में हाथ डालना जैसे। अब तुमने सोचा कि यूट्यूब में भैया बंदा चल गया तो भाई साहब थिएटर में भी चल जाएगा क्या। मानता हूँ कि मूवी की जो स्टोरी है ना उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जब मूवी रिलीज हुई थी एस एस राजामौली की भाई साहब उस टाइम के लिए वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उसमें प्रभास की एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन भाई आज के टाइम पर अगर आपको किसी भी मूवी यानी 10-15 साल पहले मूवी का रीमेक करना है ना भाई तो आपको भाई साहब कहानी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेगा। और भाई एक्टिंग के बारे में बात बोली तो भाई साहब यार सबसे घटिया जो मेरे को एक्टिंग लगाना सबसे घटिया भाई साहब वो लगाइए भाई साहब बेलमकुंडा क्या नाम है इसका बेलमकुंडा की एक्टिंग लगी सबसे ज़्यादा घटिया। उसके बाद से यहाँ पर नुसरत ने भी भाई साहब मतलब एक बार आई उसके पास एक सवाल पूछते अब तुमको मैं बता रहा हूँ लॉजिक। अब एक जगह गुंडा आया गुंडे ने गन रख दिया मतलब लड़की पे। अब वहाँ पर लड़के ने मतलब हीरो बन के लड़की को बचा लिया। अब लड़की पूछती क्यों कर रहे हो ऐसा। भाई ये क्या मतलब है तुमको उसने बचाया तो तुमको क्या जरूरत है पूछने का क्यों कर रहे हो ऐसा। अब वो बोलता कि माँ के लिए कर रहा हूँ। तो ये अनलॉजिक नहीं लग रहा कि गुंडे से लड़की को बचाया तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए अब वो क्यों कर रहे हो ऐसा। भाई साहब यार मतलब क्या लॉजिक लगा कि ये फिल्म को बनाया ना भाई मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। मतलब बहुत अजीब अजीब सीन आपको देखने को मिलेगा मतलब कुछ एक्टर है जिन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। अब भाई साहब इस मूवी का नाम जुड़ गया ना भाई तो उनको उनका भी करियर में मेरे हिसाब से लगता है जाएगा भाई साहब क्योंकि भाई इस मूवी को देखने के बाद आँख मुँह कान सब जगह से तुम्हारा खून निकलने वाला भाई यार क्या बताऊँ। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि भाई ये इस टाइप का भी मूवी आज के टाइम पे बन रही है यार। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।